लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने सरकार की हर वर्ग की भर्ती को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार पीएससी शून्य पर की गई आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के मसले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि रोज नए नियम लाकर सरकार भर्ती की प्रक्रिया को विलंब दे रही है और रोज नए नए सर्कुलर लाकर जनता के युवाओं को गुमराह कर रही है। मध्यप्रदेश में स्थिति बद से बदतर है। विश्वास ने ये भी कहा कि मध्यप्रदेश में प्रशासकीय इमरजेंसी का माहौल बन गया है। वहीं राइट टू हेल्थ का विधेयक लाने पर पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि केवल पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि मोदी सरकार इसके पहले ही राइट टू हेल्थ यानी आयुष्मान भारत योजना शुरू कर चुकी है। लेकिन आयुष्मान योजना मध्यप्रदेश सरकार ने लागू करने में आनाकानी की थी। अब केंद्र सरकार की योजना का फायदा उठाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार इस तरह के राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा होता है कि केंद्र की योजनाओं का ही सही ढंग से प्रदेश में क्रियान्वयन कर लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।